ओके तो वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल नीलम भानुप्रताप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम भानुप्रताप पे। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं नहा के उठ चुकी हूँ, रेडी निकलना है अभी। और हमारे पापा मेरे को पेपर नहीं पढ़ने दे रहे। गाइस देखिए, पीआर में मेरे पे इतना अत्याचार होता है, मम्मी मेरे को डांटती है, पापा मेरे को पेपर नहीं पढ़ने देते। फ्रेंड्स इनको कुछ बोलिए, अपनी बेटी को अच्छे अच्छे से रखे। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? आओ आपको फिर भी बेकी तो इसे दे लो, इस वजह खाने के दो। और मैं नीचे सो रही हूँ अभी तक, सबको उठा के। और बस अभी हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए, तो अब आपको मिलेंगे हम जयपुर पहुंच के। बिचू बाय 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 बाय। A few moments later. अभी हम पहुंच चुके हैं, हमें ये हमारे भाई लेने आए थे। अब हम जा रहे हैं जयपुर की जानी मानी सेलिब्रिटी के घर पे। तो अभी हम आ चुके हैं युवा के घर पे। युवा हेलो करो सबको, हेलो तो कर दो, फ्रेंड्स देख रहे हैं। रीवा हेलो करो, रीवा हेलो करो, हेलो कयो बोल दो मेरे को। मम्मी मैं बोल, मैं मम्मी है ना, मेरे को डायना छोटी दे रही है। अत्याचारी माँ, मेरी भी मम्मी अत्याचारी। हाँ हेलो चलो, हाथ में लेके जाएगी क्या? हेलो करो रिचपाल। इस आदमी ने नया फोन लिया है, नया 1+11। इसके पार्टी लेने आई हूँ मैं। जयपुर से पार्टी महंगी नहीं पड़ी आपको? नहीं नहीं पड़ेगी, 100 रुपये किराया लगा, वो भी भैया ने दे दिया। दानी दानी का लगेगा मेरा किराया, वो भी लेके जाना। हेलो बिट्टू, ये हमारे यूट्यूबर फेमस, मेरे को जला दो कोई करना। 1000 का पड़ा है मुझे, बहुत महंगा पड़ा है। और ये अच्छा, ये आईफोन वाला है यार, ये तुम्हारे कितने का पड़ा? ये सब अमीर लोग रहते हैं यार जयपुर में, मैं अपना लोगो छिपा लेती हूँ, थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को। 57,000 को फोन ले लियो, मैं पापा के हूँ जा रहा हूँ। तो बस अभी मैं जा रही हूँ पेपर देने, और मेरे से मिलना है मेरे दो भाई। हेलो करो यो। ये अभी हम जिसके घर पे गए थे, वो दोनों उसी घर में से निकल गए हैं। घर निकल नहीं दिखा, मेरी बेइज्जती थोड़ी ना करवाती कल को। मैं तो तुम्हारे तुम्हारे भाई ऐसे रहते हैं। और ये है मेरे मामू साहब। मामू साहब पीछे मुड़ के दिखाओ, A1 हेलीकॉप्टर। ये मेरे मामा का मामा सकल, मामा साहब पीछे मुड़ के दिखाओ। ये आजकल के जयपुर के अखबार के अंदर सुर्खियों में रहते हैं, मतलब जब कौन रोज रोज कटिंग लगाया जा रहा तो परेशान नहीं हो गई? एक दिन आ रहे लगा हुए आदमी कटिंग। अरे शाम को तैयार होकर मिलाएंगे, और फिलहाल हम जा रहे हैं पेपर देने, आपसे मिलेंगे आगे। और The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल आपने लास्ट क्लिप जो देखी थी, वो मैं एग्जाम देने जा रही थी, मैंने तब की थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि एक इतनी गर्मी थी, सेंटर जो था वो थोड़ा घूमने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। और आने के बाद उसकी वजह से मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने बस जस्ट रेस्ट किया। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी सो गई थी मैं, लगभग 7:30 बजे सो चुकी थी। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, और ये हमारे मामा से नया झूला लिए है उसके ऊपर में। आप लोग उसको क्या बोलते हो, मैं उसको झूला ही बोलती हूँ। मैं बैठी बैठी मॉर्निंग व्यू का आनंद ले रही हूँ।
तो ज़्यादा था, मतलब एग्ज़ाम से मैं था तो पास में ही, लेकिन लोकेशन वगैरह जो थी कल नेट ऑफ था तो मिल नहीं रहा था। और यहाँ से हम जो है उसको डाउनलोड करके गए थे लोकेशन में, वहाँ पे वाईफाई है, लेकिन आधे रास्ते में जो है वो ऑफ हो गई अपने आप, पता नहीं क्यों। तो उसकी वजह से हम काफ़ी आगे निकल गए थे, लगभग 7 किलोमीटर हम लोग सेंटर से 7 किलोमीटर आगे चले गए थे। फिर जब तक हमको रियलाइज़ हुआ कि चल नहीं रहा है, फिर हमने वहाँ से किसी मित्र वाले के पास गए, वहाँ से हमने जो है वाईफाई लिया और कनेक्ट करके, थैंक यू सो मच, अब तक नहीं वो तो मेरा ब्लॉग देखते नहीं है पर फिर भी थैंक यू सो मच। तो फिर वो अब वहाँ से वापस आए तो लगभग हमको 1:30 बज चुके थे। मुझे लगा था अगर इस बार लोकेशन नहीं मिली तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी आज का, क्योंकि लास्ट 2 बजे एंट्री जो है वो वहाँ पे बंद हो जाती है, 2:01 भी आपको वो एंट्री नहीं देते। मैं लगभग 12 बजे घर से निकली थी और मैं 1.5 घंटा लग गया मेरे को पहुँचने में, इतना पास सेंटर होते हुए भी। मतलब यार अगर सेंटर आप लोग इतनी दूर दूर देते हो तो नेट ऑन रखना चाहिए, क्योंकि पेपर आउट तो कोई भी कर लेता है यार, नेट ऑन से कुछ नहीं होता है, होना होता है तो होता ही है। लेकिन कितने बच्चे परेशान हुए कल, मानो नहीं आप, तो मतलब 2:30-3 बजे तक दूर दूर से बच्चे आ रहे थे, क्योंकि कल ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जो है सिर्फ जयपुर ही सेंटर था, केवल एक जयपुर के अंदर ही एग्ज़ाम हुआ था। तो मतलब ये मान लो मेरी क्लास में क्या 18 स्टूडेंट थे, अब सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के थे, वैसे लग रहा था पूरा राजस्थान एक ही क्लास में बैठा हो। तो बस अभी उधर हैं, अभी देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला। कल का भी बहुत कुछ प्लान था मेरा कि यहाँ जाऊँगी, मासी रहते हैं उनके पास जाऊँगी, मामीसा का भी था, मामीसा खुद की तबीयत ख़राब है लेकिन वो मेरे से वहाँ में लगे हुए थे फिर शाम को। तो लेकिन आज का दिन जैसा भी मैं आपके साथ शूट करने वाली हूँ, आज हम किशनगढ़ भी निकलेंगे, तो चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मामूसा का इंट्रोडक्शन मैंने करवा ही दिया था, और रिसेंटली मैंने जो उनकी न्यूज़ में जो मतलब न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर के अंदर, वो कटिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। जयपुर के जो लोग हैं वो इन्हें जानते होंगे, जो नहीं जानते हो बता दूँ, A1 हेलीकॉप्टर के जो CEO हैं वो मेरे मामूसा है, डायरेक्टर जो मामीसा है। तो इन सभी कटिंग्स में उन्होंने जो रिसेंटली जो वर्क किया है A1 हेलीकॉप्टर के अंदर, वो सारी जो है आपको मैंने बताया है। और आपको नहीं पता है तो मैं आगे जो आने वाले मतलब आने वाली क्लिप्स के अंदर मैं एक उनका न्यूज़ के चैनल के अंदर जो उनकी न्यूज़ आई थी वो ऐड कर रही हूँ, और आज के व्लॉग का एंड में मैं ये कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। और यहाँ पर कटिंग मैंने ऐड की मेरी मामीसा के इंटरव्यू की। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन सिटी जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को RTDC और राजस्थान सरकार ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड के रूप में एक अनमोल तोहफा दिया है। RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने आज हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वर्चुअली शुभारंभ कर जैसलमेर के पर्यटन में एक नया अध्याय जोड़ा। हेलीकॉप्टर जॉय राइड के ट्रायल रन कार्यक्रम समथाणी में हुआ। मंत्री शाले मोहम्मद, कलेक्टर टीना डाबी ने फीता काटकर हेलीकॉप्टर जॉय राइड के ट्रायल रन के लिए उड़ान भरी। जैसलमेर आने वाले देशी विदेशी पर्यटक रेगिस्तान के जहाज ऊंट की सवारी करके ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से भी मखमली धोरों को निहार रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को यह सौगात राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए A1 हेलीकॉप्टर से अनुबंध किया गया है। फिलहाल ट्रायल के तौर पर इसका किराया ₹5,000 रखा गया है। इसके बाद GST और अन्य टैक्स के साथ एक व्यक्ति को सैर के लिए ₹7,000 का भुगतान करना होगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे, क्योंकि आजकल जो भी ट्रैवल और टूरिस्ट के जो ट्रेंड्स हैं, काफी यंग ट्रैवलर्स आ रहे हैं और सबकी डिमांड रहती है कि बाकी स्टेट्स में ये जॉय राइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑपरेट करती हैं, राजस्थान में क्यों नहीं। और हालांकि हमारे यहाँ पैरा मोटरिंग और पैरा सेलिंग काफी समय से चल रही है, पर ये एक बहुत ही वेलकम अट्रैक्शन और वेलकम एडिशन रहेगा हमारे ओवरऑल एक टूरिस्ट पैकेज के लिए। इस मरुभूमि में आके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ कि पहली राइड ले रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम भी प्रथम है और मैं प्रथम के लिए पहली राइड बुक की है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी वाइफ रचिता और बेटे तेजांश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।